अगर आप अपने दोस्तों परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और काफ़ी दूर नहीं जाना चाहते, लोकल में ही घूमना चाहते हैं, तो एक्वा जंगल वाटर पार्क आपके लिए बेस्ट होगा। बनारस, चंदौली, मुगल सराय, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर के आसपास के लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये लोकल है। हम दिन भर में यहाँ विजिट करके शाम में लौट भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ है, आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आती हैं अपने बच्चों के साथ, और बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे बहुत चीज़ इंजॉय करेंगे। यहाँ पे बड़ों के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी स्लाइड थी और बच्चों के लिए अलग छोटी छोटी स्लाइड थी। कई पूल थे, बच्चों के पूल अलग थे, बड़ों के अलग थे। सुबह से शाम हो जाएगी आपको पूरी एक्टिविटीज़ करते करते। हम लोगों ने तो यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ विज़िट किया था और यहाँ के कॉटेज पे एक रात स्टे किया था। तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसा रहा वाटर पार्क के साथ साथ यहाँ के कॉटेज और का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बने रहिए, आपको कॉटेज का भी अंदर से विज़िट करवाएंगे और रात का नाइट व्यू भी दिखाएंगे कि कैसा रहा। दिन के साथ साथ आपको यहाँ के नाइट व्यू भी दिखाएंगे कि कैसा रहा। 2 दिन हम लोग यहाँ रुके थे तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के साथ बने रहे। हेलो, आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क, एक्वा जंगल वाटर पार्क औरारा में, और हम लोग वाटर पार्क जाएंगे, बच्चों के साथ मस्ती करेंगे पानी में, और आज हम लोग स्टे भी करेंगे विला में। हम लोग वहाँ पे आज विला आपको दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत विला है, कॉटेज, इसे कॉटेज कहते हैं। और ये औरारा में इस साइड पहला है ये कॉटेज, आज आपको दिखाएंगे, कॉटेज भी दिखाएंगे आज। पहली बार जा रही हो कि दूसरी बार जा रही हो? नाम बताओ, कहाँ जा रहे हैं? वाटर पार्क। क्या हम लोग अपने दुनिया में जा रहे हैं? अपने दुनिया में जा रहे हैं? ये दुनिया तुम्हारी नहीं है क्या? जरा एक्साइटेड हो? थोड़ी थोड़ी बहुत। तो फिर नहीं चले? जाने के बाद कैंसिल कर दे? नहीं, जाने के बाद। हम लोग का है उधर विला का, तो सामान कैसे जाएगा बता दो फिर, सामान कैसे जाएगा? नीली, हम लोग पहुंच गए हैं रिजॉर्ट। ये देखे, चारों तरफ बड़ी गर्मी और धूप है, शाम में शायद सही हो। यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर एक गेट लगा है, वहाँ पर सामान लेने के लिए हम लोग का सामान लेके जा रहे हैं। इकरार है, ये अनम है। अनम, जारा, कैसा है मौसम? ये पहुंच गए, हम लोग आ गए हैं, ये रिसोर्ट हम लोग जा रहे हैं। ये मेन गेट है, ये मेन गेट, मेन गेट पर हम लोग जाएंगे। हाँ, ये हमारे सामान लेके जा रहे हैं। आगे बहुत साफ है। आगे के चलो तुम लोग चलने। ये मेन एंट्री गेट है, तो अब हम लोग अंदर प्रस्थान करते हुए चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो ना। तो ये रहा अंदर का व्यू। ये फाइनली हम लोग आ गए हैं वाटर पार्क में। मोर नहीं है, प्यास लगी, देखो कैसे मुंह कर रही है, देखिए ना, सी वो बैठ गई, थक के बैठ गई। हाँ, प्यासी ऐसे से कर रही है ना, पानी खा लिया ना लगा। ये वहाँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ काफ़ी अच्छा उन्होंने सेटअप बना के रखा था, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी की हुई थी। सामने जो है दीवार पे जो है छोटे छोटे कप में उन्होंने लाइटिंग लगाई थी, वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और वो हर कलर की जो चुन्नी से पूरा विंडो पे उन्होंने लगाया था ना, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने रूम पे जाने के लिए, तो बैठे हैं यहाँ पे। और हाँ, बैठे वेट कर रहे थे रूम का इंतजार करने में, तो रूम में जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग रूम में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे पानी में। बैठा है और वो उधर बहुत सारे मोड चल रहे हैं, है ना? आ गई हो गर्म? आ गया नहीं, काट लेंगे, काट लेंगे।
ये है ना, मैं वाटर पार्क आई है ना, कहाँ आई हूँ? तो हम लोग को रूम तक ले जाने के लिए गाड़ी आई है, इस गाड़ी से ही हम लोग रूम तक जाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर है रूम, पूरे वाटर पार्क से होते हुए हम लोग रूम तक जाएंगे इस पे बैठ के। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने रूम की। तो लीजिए यहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट होती है वाटर पार्क की। भैया भी आ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे अपने रूम की तरफ। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं, कब पहुँचेंगे। तो ये देखिए हम लोग अपने कॉटेज की तरफ बढ़ते हुए, कितना सुंदर है। कई कॉटेज हैं, बहुत सारे कॉटेज एक साथ लाइन में हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए, पूरे रूम तक भैया ने गाड़ी से पहुँचाया हम लोगों को। और धूप बहुत तेज है इस टाइम, हम लोग एकदम जब पहुँचे थे तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो धूप काफ़ी तेज है। अच्छा, चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम खुला खुला सा लग रहा था। और यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये हम लोग के मतलब क्षेत्र के आसपास का ही इलाका है, जैसे लग रहा था कि कहीं दूर, जैसे नैनीताल और हम लोग कभी गए हैं तो वहाँ पे ऐसा रहता है। जरा हैप्पी, मज़ा आएगा शाम में, स्विमिंग करना है। ये हम लोग का कॉटेज है, सुंदर सुंदर फ्लावर लगे कॉटेज के बाहर, और ये कॉटेज की लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, इसको चढ़ते हुए हम लोग अपने कॉटेज के अंदर जाएंगे। दो सोफा है और ये टेबल है, छोटी ये फ्रिज खोले, इसमें क्या क्या पहले से दिया देखते हैं, क्या क्या है? फ्रूटी, दो फ्रूटी है और एक थम्स अप है और एक क्या है ये ड्यू है, और दो बोतल पानी है, और क्या है ये फ्रीजर है शायद छोटा, फ्रीजर में कुछ नहीं ना। कितनी क्यूट फ्रीजर ना, नाम तुम्हारे से भी छोटी है देखो, है ना। ये रहा ड्राइंग रूम, ये वॉशरूम है, एक वॉशरूम ये नीचे भी है, ये वॉशरूम है, ये शैम्पू है, कंडीशनर, हेयर ड्रायर है। हम तो खुश हो गई, ये सोफा कम बेड है, इसको खींच लेंगे रात में तो ये बेड बन जाएगा, बच्चे लोग सो सकते हैं। हाँ, ये सोफा कम बेड है ये, कि चार लोग आराम से सो सकते हैं, दो लोग नीचे और दो लोग ऊपर। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी लो। हाँ दिखा दो, होश उड़ गए अनम के, कोल्ड ड्रिंक भी होश उड़ गया। यहाँ से सीढ़ी है, ये ऊपर जाएगी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी गई ऊपर, और ये ऊपर बेडरूम है, ये रहा बेडरूम ऊपर का, इधर छोटी सी विंडो है जला सके, और ये कर्टेन लगे हैं, बेडरूम छोटा सा है बट कोजी है, काफ़ी क्यूट है। ये एसी है ऊपर, एक फैन है, और ये यहाँ से बालकनी व्यू, वाह। ये देखिए इधर रिजॉर्ट सारे, ये रहा पूल, और उधर वाटर पार्क है। शोरक की आवाज़ आ रही होगी ना, तो वो वेव टाइम हो गया है, तो वहाँ सब वेव नहीं है। और चारों तरफ देखिए पहाड़ है चारों तरफ, शाम में ये काफ़ी अच्छा लगेगा जब सूरज ढल जाएगा, तो यहाँ बाहर बैठना काफ़ी अच्छा लगेगा, शाम में बैठेंगे चाय वाय पिए जाएगा। चलते हैं अंदर, अभी बहुत धूप है, एसी 19 पे किए, मैं गर्म हो रहा है अभी, ठंडा नहीं आ रहा है, देखिए कब ठंडा होता है। बाथरूम यहाँ पे, इसको भी यूज कर सकते हैं, काफी यूटिलाइज किया गया। ये रहा हैंगर, यहाँ हम घुस गए हैं और एक छोटा सा डोर भी दिया है कि अपने मोबाइल घड़ी यहाँ रख सके आप, ज्वेलरी वगैरह छोटे मोटे। और ये कर्टन हटा के देखना चाहेंगे कि पीछे क्या है। ओ वाह, पीछे भी एक डोर है, इसको ओपन करें।
पीछे का कबाड़ खाना है। लंच करते हुए, क्योंकि सुबह सुबह सब जल्दी निकल गए थे, कुछ खाए नहीं थे, तो वो पैक कर लिए थे कि रास्ते में खा लेंगे। रास्ते में मौका नहीं लगा तो रूम पे ही आके खा रहे हैं सब। क्या खा रहे हैं सब लोग? छोला भटूरा, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर भी है, बर्गर उधर रखा है, सब बर्गर खा रहे हैं। और इसमें है क्या है? फ्राइड राइस, पोहा नहीं ना, फ्राइड राइस है। ये देखो आते ही इन लोग का लग रहा है। पूल में जाने की तैयारी हो रही है, सब लोग ऑयलिंग करेंगे बाल में ताकि बाल ख़राब ना हो, क्योंकि पिछली बार इन लोग का बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इस बार थोड़ा सा पहले से ऑयलिंग कर देंगे इन लोग को और सनस्क्रीन, क्योंकि पानी में कुछ केमिकल रहते हैं, स्किन काली रहती है। लगाओ ये लीली, अप्लाई करो सनस्क्रीन, सनस्क्रीन ऑयल हम लगा देंगे, सनस्क्रीन खुद से लगाओ, पूरे चेहरे पे, हाथ पैर पे, सब पे लगाओ। लो तुम ये वाली लगा लो, चलो दौड़ के चलो, दौड़ के चलो। अरे खाना पीना खाते, थोड़ा सा रेस्ट करते, काफ़ी लेट हो गया था, फिर हम लोग भागते भागते पूल की तरफ गए। और ये देखिए ड्रोन व्यू है पूरे पूल का, ये देखिए बड़ी बड़ी सारी स्लाइड हैं इधर, सारे जो है एडल्ट लोग, बड़े लोग ये सारी स्लाइडें यूज़ करते हैं। उसके लेफ्ट हैंड पे जो जो पुल दिख रहा है उस तरफ, वो बच्चों का है। शाम के 3 बज गए हैं और रेड का टाइम हो गया है, तो हम लोग जो है रेड पुल में जो है जाते हुए। आओ यार ठंडा पानी, वाह वाह। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्यूब ले लीजिएगा, क्योंकि उनको फ्लोट करने में वो बहुत हेल्प करेगा। ट्यूब वहाँ पे आप लेंगे तो जो है आपको 200 रुपये जमा करना होगा, 100 रुपये ट्यूब का चार्ज होता है, और 100 रुपये उसका मतलब जब आप ट्यूब लौटा लेंगे तो वो आपको 100 रुपये लौटा देंगे। बट आप जब बच्चे के साथ जाएंगे तो ट्यूब ज़रूर से ले लीजिएगा, क्योंकि पानी में ना छोटे बच्चों के लिए वो पानी बहुत ज़्यादा है, उनकी गर्दन तक है, तो उनको फ्लोट करने में, पानी में ऊपर आने में वो काफ़ी हेल्प करता है। बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग करो जरा, बच्चे स्विमिंग करो। ये सारे स्लाइड जो हैं बड़े और छोटे दोनों के लिए, मगर स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जो ऊँची ऊँची स्लाइड बच्चे नहीं जा सकते तो ये उनके लिए, मतलब यहाँ पे बच्चों के साथ पेरेंट्स होते हैं, घर वाले भी ज़्यादा थे। ये देखिए अनम आ रही है, और अनम के पीछे पीछे ज़ारा भी आती है, ये ज़ारा भी आ गई। आओ अनम गई उधर, दो सौ सभी लोग ट्यूब लेके अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए, कोई साथ में दो, एक साथ दो लोग भी कोई जा रहे थे और कोई सिंगल भी। ये देखिए ड्रोन व्यू, कैसे लोग जा रहे हैं नीचे, देख के तो डर लग रहा था, पर जब गए तो काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा। जो है कैमरा लेके नहीं गए थे, क्योंकि पानी में कैमरा चला जाता तो ख़राब हो जाता, तो इसलिए सारा
हमने आपको ड्रोन व्यू से दिखाया कि ऊपर से कैसा लग गया। ये अनम को देखिए अपने पापा के साथ जो है मस्ती कर रही है, स्विमिंग सीख रही है अपने पापा के साथ। उनके डैडी उनको स्विमिंग सिखा रहे हैं, ये पानी एक दूसरे के ऊपर इन लोग फेंक रहे हैं। कैसे शाम होती जा रही है, मौसम अच्छा होता जा रहा है, पानी भी ठंडा हो रहा है और मतलब देखने में भी सब अच्छा अच्छा हरा हरा लग रहा है, वरना धूप थी तो आँख भी सही से खुल नहीं रही थी। ये देखिए मस्ती होती हुई और लोग भी अब चले गए, धीरे धीरे भीड़ भी कम हो गई है। शाम होते थे जो दूर से आते हैं ना वो जल्दी निकल जाते हैं, तो भीड़ भी अब कम हो गई है, तो अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। भीड़ कम होने की वजह से देखिए कितने कम लोग हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम लोग दोपहर में आए थे ना तो बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी। ज़ारा और अनम भागते भागते जा रही हैं वे वाले के लिए, ठंड से कांप रही हैं मगर जो है। शाम के 5 बजे एक बार फिर से वेव वाला जो है शुरू होता है, तो फिर से सारे लोग वेव वाले पुल की ओर बढ़ गए हैं। और ये देखिए कितने ज़ोर ज़ोर से लहरें आ रही हैं, बच्चे बार बार गिर जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, मगर मज़ा आ रहा है। जो बड़े बड़े लोग थे तो वो काफ़ी आगे जा रहे थे, जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही थी वहाँ लोग जा रहे थे, वहाँ तो एकदम गर्दन तक पानी था। क्योंकि शाम हो रही है, पानी ठंडा हो रहा है, बच्चे कांप रहे हैं ठंड से, उनको निकाला जा रहा है मगर सब निकल नहीं रही है। देखिए फिर आगे से जानेंगे, डैडी उनको पकड़ के ला रहे हैं कि चलो शाम हो गई है निकलो, और जो जितना ड्राई एरिया वाला झूला है वो सब कर लो, मगर ये सब निकलने का नाम ही नहीं ले। अनम तो निकली नहीं रही थी। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो बच्चों लोगों ने की। ये देखिए इधर जो है ये बड़ों का पुल है, यहाँ पे जो है बड़े लोग जो है, तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा था बच्चों के हिसाब से, तो इधर हम लोग ज़्यादा नहीं आ पाए क्योंकि बच्चे लोग को देखना था, तो इधर जो है बड़े लोग ज़्यादा थे जो जिनकी हाइट ज़्यादा थी। ये देखिए डांस करते हुए लोग सारे, और ये एक बार और फिर से ड्रोन वीडियो आपको दिखाते हुए चारों तरफ कितने बड़े एरिया में बना हुआ है ना, देखिए कितनी दूर तक फैला है। आ गए हैं नहा धो के, कपड़ा चेंज हो गया है, सब लोगों ने बात ले लिया है, बच्चों ने ज़ारा ने हमने, अभी उनकी हालत देखिए, सबको अब लग गई है भूख और हो रही है पेट पूजा। क्या खा रही हो अनम? बर्गर। ज़ारा आप क्या खा रही? बर्गर। फ्राइड राइस नहीं खाई? ये हमारे मिस्टर टहलते हुए, खाओ। अनम बर्गर कैसा है? लाल जवाब बोलो। ये रही मीठी दही, ये मीठी नहीं है, वाली मीठी है। स्पून वहाँ पे होगा? चलिए खाओ अपना लाल जवाब बर्गर। अनम लाल जवाब नहीं बोल पा रही तो लाल जवाब बोल रही है, लाल जवाब बर्गर। जल्दी चलो झूला झूलना है ना। ज़ारा ये तो दोनों राइड कर रहे हैं। जरा जरा हो गई, ये 7 बज गए हैं, वेव वाला फिर से हो रहा है, अंधेरा हो चुका है। अब भीड़ भी काफ़ी कम है, आज संडे का दिन है तो इसलिए वेव वाला हो रहा है। और लोग चले गए, देखिए अब एकदम सन्नाटा हो गया, जिसको इसको जाना था सब जा चुके हैं। ये अनम आ रही है ना, हाय करो, इधर देखो, अब पानी में मत जाना। का काफ़ी रात का काफ़ी खूबसूरत व्यू है, देखिए दिन में काफ़ी धूप थी बट अब रात हो गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बुल राइड हो रही है यहाँ पे। आते चलो। Okay.
तीन से जाले क्या बात ओ कितना क्यूट है ना रैबिट देखो ये देखिए रात हो गई है और यहाँ जंपिंग हो रहा है जो जगह दिन में एकदम लोगों से भरी हुई थी अब देखिए कितना शांति और सन्नाटा हो गया है। और हम लोग अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए कितना डर लग रहा था मालूम है, लाइट तो थी चारों तरफ एकदम सन्नाटा और बड़े बड़े पेड़ और ढेर सारा पानी, बहुत देख के डर लग रहा था, एकदम अजीब ही फीलिंग आ रही थी। हम किसी से कुछ कह नहीं रहते हैं इन लोग से, मगर मेरे मन में बहुत डर लग रहा था उनको। फूल तोड़ोगी तो रात में जो है फूल का भूत आके तुम्हें मार देगा। पकड़ लो, फूल नहीं तोड़ते रात में हम, सुबह तोड़ो। हाँ सुबह तोड़ना। चलिए खाली हो गया, लोग चले गए, एकदम शांति हो गई है। ये देखिए अभी एकदम शांति हो गई है, लोग चले गए हैं और काफी डर भी लग रहा है मुझे। ये डायनासोर वगैरह देख के डर भी लग रहा है। डायनासोर मुझे खा जाओ, ऐसा नहीं बोलो। ये गुफा में जा रहे हैं, ये गुफा जल्दी चलो, गुफा आ गई, बहुत अंधेरी गुफा है भागो। आज सपना चौधरी डांस की थी, ये जगह है, ये ऊपर से व्यू है नीचे का। सपना कौन है? डांस करती है, टीवी में आती है। अना ये तुमसे पूछ रहे, बोलो बच्ची तुमको क्या चाहिए बताओ, बोलो खुल जा सिम सिम बोलो। ओ भाई साहब बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये जरा और नीचे जा रही है, ये रात का वक्त, हम लोग अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए। हाँ ये अब रूम की तरफ, कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर पहाड़ है, बादल, चांद और ये खूबसूरत सा कॉटेज। अनम को देखो, किसी से नहीं डरती ये बंदी, अकेले हर जगह पहुंची रहती। देख के चलो, रात का टाइम है, कुछ कीड़े कुछ कुछ काट ना ले। और साफ रास्ते से चलो, घास में कौन, इधर से चलो ना, घास में क्यों गई हो, रात का टाइम कुछ काट ही ले। क्या प्लान है डिनर का, क्या खाना है? डिनर आएगा, अभी आएगा बेबी कॉर्न, आया क्रिस्पी बेबी कॉर्न, क्रिस्पी बेबी कॉर्न और पनीर चंगेजी, बटर नान और पनीर चिल्ली। तुम क्या खाओगी जी? पनीर चिल्ली ना कुछ नहीं। तुम क्या खाओगी? क्रिस्पी बेबी कॉर्न। क्रिस्पी बेबी कॉर्न। तुम क्या खाओगे? हम खाएंगे पनीर चिल्ली। घूम के थक गए थे, काफ़ी थकान हो गई थी, तो हम यहाँ चाय बना रहे थे। हम लोग चाय लवर्स हैं, इंडियन हैं, कहीं भी चले जाएं, शादी ब्याह कहीं भी, मगर चाय नहीं छूट सकती थी, यहाँ कैसे छूटती। चाय खुले आसमान के नीचे चाय ब्रेड बटर का आनंद लेते हुए बच्चे और हम सब जो है यहाँ पे। अनम टूटता हुआ तारा दिखा रही कि वो देखो गायब हो गया है टूटता तारा, खुला आसमान तक तो टूटता तारा भी दिख रहा था इन लोग को। हम लोग का डिनर आ गया है, चलिए अब डिनर करते हैं और फिर सोने की तैयारी। अनम क्या मंगवाई हो? पता नहीं क्या, जल्दी खोलो और खाओ, और रात बहुत हो गई, अब सोया जाए ना।
बटर नान। हाँ जल्दी खा लो बेबी कॉर्न ना सॉगी हो जाए। कौन है ये पनीर? चलो खाते हैं। हमने खाना खा लिया, अनम ने नहीं खाना खाया, तो अनम के लिए यीपी मैगी बना रहे हैं इस होटल में। ये देखिए मेरी मैगी इसमें बन रही है। कॉफ़ी तो हम लोग पीते नहीं, चाय वाले हैं, चाय बना लिया था। अब अनम ने खाना नहीं खाया क्योंकि सब्ज़ी बहुत तीखी थी पनीर की, क्रिस्पी बेबी कॉर्न उनको पसंद नहीं आया, ज़ारा का तो फेवरेट है। तो हाँ अनम के लिए अब मैगी बन रही है। और ये सोफ़ा का बेड था, ये सोफ़ा था, इसको रात में हम लोगों ने बड़ा सा कर लिया बेड, इस पर आराम से चार लोग सो सकते हैं। चार लोगों का ये हो गया है बेड, आराम से चार के पांच लोग सो सकते हैं, इतना बड़ा ये बेड है। तो ठीक है, और ऊपर भी बेड है कि दो लोग या तीन लोग सो सकते हैं, दो लोग तो आराम से, मगर फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं तो साथ में सब सो सकते हैं, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो इधर हम लोग की मैगी भी बनी रही है। खाना खा लिया था तो छोटा सा बच्चा नहीं खाता, भूखा सो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए अनम की मैगी बनाई है। बेचारी बच्चा मैगी खा रही है। मैगी खा के नाइट सूट पहन लेना ना। हाँ पहन ले ला तुम तो, क्या करोगी, तो तुमको पहनना चाहिए था ना, पहन ली। ठीक है ठीक है, पहन ली। अब रहन दो ज़ारा, क्या हो गया आज बताओ तुम्हारी गाड़ी के साथ, गाड़ी क्या हुआ? गाड़ी की लाइट ऑन रहेगी, पूरा बैटरी डाउन हो गया, पूरा बैटरी डाउन हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सुबह क्या होगा देखते हैं, किसी मिस्त्री को बोलना पड़ेगा, फिर देखते हैं। अनाउंसमेंट हो रही थी, बार बार हो रही थी। और ये सुबह का, एकदम सुबह सुबह 5:30 बजे का ये नज़ारा है। चले देखते हैं बच्चे लोग उठे कि नहीं। ज़ारा उठी हो? उठो, आई छोटी, क्या हो रहा है, हालत देखो इन लोग की। गुड मॉर्निंग अनम, अनम इधर देखो आओ। गुड मॉर्निंग। पानी में खेल खेल के दम थक गई हैं सब। चलो अंदर आओ। ये लड़की बहुत आलसी है, इस मेरे घर की सबसे आलसी लड़की, जो कहीं भी आके बस सोना। हेलो, सुबह सुबह सब फिर पूल में आ गई, पता नहीं कितना इन लोगों को पानी से प्यार है। इतना ठंडा पानी था ना, रात भर का ठंडा पानी, मगर इन लोग को ठंड नहीं लग रही, जाके एकदम तैयार नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। ये देखिए अब ठंड से ये काँप रही हैं, जाने के टाइम नहीं ठंड लगा, अब देखिए इनको ठंड लग रही है, कैसे चल रही हैं। ये दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर इन लोग जो है पूल में जाके फिर से सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने एक बार फिर की, और मैं जो है रूम पर सारी पैकिंग कर रही थी, इन लोगों ने एक बार फिर एक राउंड सारा झूला झूल लिया। टूर ख़त्म हो गया और हम लोग आज चेकआउट करते हुए जा रहे हैं। आज बाय बाय कहते हुए बहुत अच्छा लगा, कैसे बीत गए 24 घंटे पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा है फ्रेंड। अगर आप लोग भी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं, पास है, लोकल है, दिन से अच्छा रात का है आपको। ये भैया फिर से गाड़ी लेके, अपनी एंटीक गाड़ी लेके आ गए हैं, और हम लोग का सारा सामान इस गाड़ी पे लोड हो गया है और घर चलने की तैयारी हो रही है। जाने का मन नहीं ना, ये दो ठो इन लोग को आधार कार्ड पे मछली घोषित कर देना चाहिए, ये मछली हैं, पानी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन लोग इंसान के रूप में मछली हैं, इनको पानी में ज़्यादा अच्छा लगता है, इनको अभी जाने का मन नहीं ना, कह देना और रुकना है, एक साल रुकना है, उनको 5 डे रुकना है। फुल पैसा वसूल था टूर, 2 दिन का टूर था, सुबह से शाम तक पानी में थे इन लोग,
अगले दिन मॉर्निंग में ना नाश्ता किया ना पानी, फिर से सब चले गए वहाँ पूल में, जितनी भी एक्टिविटीज थी फिर उन्होंने की, यानी कि पूरा मतलब कहते हैं ना एक एक पैनी मशीन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ेदार था, आप लोग भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था। आप फिर कब आओगी? हाँ कल आओगी, फिर आओगी, अच्छा लगा? हाँ जाने का मन है, घर जाने का मन है? दारा क्या तो फिर रुकना है एक दिन और, बोलो रुकवा दे डैडी का ऑफिस काम ना तो रुक जाओ एक दिन और। ये अनम घूमते टहलते हुए, फाइनली हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, चले बच्चे लोग, अनम आ जाओ चलो, चलो। हमने उसको भी इंजॉय किया हम लोग ने, बच्चे लोग का मन ही नहीं कर रहा जाने का, सबको मन कर रहा है अभी तो रुके हम लोग। आज वैसे मौसम ठीक है कुछ, ये हमारी गाड़ी भारी खड़ी रही है, ये हम लोग निकल गए जंगल पार्क से, फिर मिलेंगे हम लोग।